फसल के लिए किसानों को 80% तक अनुदान पर धान की बीज कृषि विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए किसानों को क्या करना पड़ेगा, किसान कहाँ आवेदन करेंगे और उन्हें कितने दरों पर उन्हें बीज उपलब्ध हो पाएगा और ये बीज उपलब्ध कराने की तिथि क्या है, इन सभी बातों पर हम आज खास बातचीत करेंगे जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन सर से। नमस्कार, न्यूज 18 मधेपुरा देख रहे हैं आप और मैं हूँ रविकांत कुमार। हमारे साथ जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन सर हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर किसान किस तरह से इस योजना का लाभ ले सकते हैं और जिले में इस बार कितने हेक्टेयर में धान की खेती होने वाली है। धन्यवाद रविकांत जी। जैसा अभी हम लोग का मौसम ये गर्मा का चल रहा है और मुख्य रूप से मधेपुरा में गर्मा मौसम में मूंग की खेती और थोड़ी बहुत मात्रा में गर्मा मक्का की खेती होती है, लेकिन विभाग कृषि विभाग खरीफ की तैयारी के लिए अभी से काफी तत्पर है। इसीलिए जो खरीफ में जो हमारा मुख्य फसल है जिले का वो है धान, और लगभग 85,000 हेक्टेयर में धान की खेती मधेपुरा जिला में होती है। तो इसके लिए विभाग अभी से सतर्क है और किसानों को इसका बीज उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। मैं इस चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जिन किसान भाइयों को धान का बीज प्राप्त करना हो अनुदानित स्तर पर, वो आप अपना ऑनलाइन किसी भी सेंटर से करा सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक रखा गया है और किसानों को जो बीज वितरण होगा वो 15 मई से आपको बीज वितरण किसानों को उपलब्ध कराना शुरू हो जाए और बीज वितरण की अंतिम तिथि आपको 15 जून तक ये आपको चलेगा और उसके बाद बीज वितरण समाप्त हो जाएगा। इसके तहत विभाग से 2-3 योजनाएं चलाई जाती हैं। जो किसान पहले से अगर इसका लाभ लिए होंगे फिर भी मैं बता दूं, एक मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना है जिसमें किसानों को 80% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाए। दूसरा प्रमाणित बीज वितरण, इसके तहत हम लोग दो तरह का बीज उपलब्ध कराते हैं, एक 10 वर्ष से कम अवधि के प्रभेद वाले बीज और एक 10 वर्ष से अधिक प्रभेद वाले बीज, दोनों पर आपका 50% अनुदान दिया जाता है। और तीसरा जो मुख्य रूप से जो मधेपुरा में किसान लगाते हैं संकर धान, तो संकर धान का बीज भी वितरण कराया जाता है और इसमें भी 50% अनुदान दिया जाए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि कृषि विभाग खरीफ 2023 की तैयारी में जुट चुका है, ऑनलाइन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, आप अपना ऑनलाइन करें और बीज अपना सुनिश्चित करवाएं। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन। उन्होंने बताया है कि खरीफ फसल के लिए जो धान के बीज अनुदान पर प्राप्त होती हैं वो कौन कौन सी धान के बीज हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अगर आप भी किसान हैं और धान का बीज लगाना चाहते हैं तो तुरंत आप बताए गए इन तरीकों से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 80% तक की जो अनुदान है वो आप प्राप्त कर सकते हैं।